जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं सांसें, और वो भी सांसों का बिना रुके चलते रहना। जिस तरह जमीन पर रहने वाले जीव सांस लेते हैं, वैसे ही पानी में रहने वाली मछली भी सांस लेती है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम ऑक्सीजन हवा से लेते हैं और मछली ऑक्सीजन पानी से लेती है। ऑक्सीजन पानी में? हाँ, ये ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है, जिसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे फेफड़े सिर्फ हवा से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन मछली के गिल्स यानी गलफड़े इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी से ही ले सकते हैं, और इसका भी अपना एक अलग तरीका है। पानी नहीं तो डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं, और डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं तो मछली जाएगी मर। ये है मछली के गिल्स यानी गलफड़े, जो एक आवरण से ढके रहते हैं। आखिर ये गिल्स यानी गलफड़े करते क्या है? ये पानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। गिल आर्क मेहराब के आकार की हड्डी से बने होते हैं। इसमें रक्त शिराएं होती हैं, रक्त के आने जाने के लिए। और ये है गिल फिलामेंट्स यानी गलफड़े की झिल्लियां। हर एक गलफड़े की झिल्ली में कई छोटी छोटी लेमेली की कतारें होती हैं। मछली सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलती है और पानी उसके मुंह में भर जाता है। जब मछली मुंह बंद करती है तो दबाव के कारण पानी गलफड़ों की ओर चला जाता है। तब रक्त की शिराएं पानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन अपने रक्त में ले लेती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से पानी में छोड़ देती हैं। और पानी गलफड़ों के आवरण से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे प्रदूषित हवा में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही अगर पानी प्रदूषित हो तो मछली को भी सांस लेने में दिक्कत होगी ना?